खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन के निर्देशन में अवैध खनिजों के परिवहन एवं भंडारण पर जिले में लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में माइनिंग एवं पुलिस टीम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी गई, जिसमें रिंग रोड चोरगरी मनगवा एवं सगरा रोड पर गिट्टी और रेत से लदे 2 दर्जन से अधिक वाहनों में खनिज परिवहन संबंधी दस्तावेजों की सघन जाँच की गई, जिसमें अधिकांश वाहनों में परिवहन पास पाए गए। जांच के दौरान गिट्टी से लदे 3 डंपरों में ईटीबी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जब्त किया गया और सगरा पुलिस थाने में सुरक्षा खड़ा कराया गया है। इन दिनों बिना परिवहन पास के खनिजों का परिवहन करने पर भारी भरकम प्लांटी का प्रावधान होने पर में अवैध खनिज परिवहन पर अंकुश लगा है। जब्त किए गए सभी वाहनों में अवैध परिवहन एवं भंडारण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, साथ ही खनिज लोड करने वाले क्रेशर संचालकों पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। आज की संयुक्त कार्यवाही में मुख्य रूप से थाना प्रभारी सगरा भरत शुक्ला एवं खनिज निरीक्षक आरती सिंह में पुलिस बल सहित उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के निर्देशन में खनिज और राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से टास्क फोर्स बनाकर जिले भर में कार्रवाइयां और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी दौरान कल शाम को शहर के रिंग रोड में, आपके मनगवा रोड में और सगरा में भी वाहनों की चेकिंग की गई थी, जिसमें 3 वाहनों में परिवहन पास प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खनिज की लोडिंग अनलोडिंग करते हुए पाए जाने पर उनको जब्त किया गया है। 3 वाहनों पर कार्रवाई की गई है।